की ही मेहनत आपके जीवन में जो चाहेंगे आप वो बदलाव लेकर के आ पाएंगे दोस्त, मेटाफोर्स के साथ। कुछ लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं मेरे दोस्त, और कुछ लोग अपने एक फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। डिपेंड हम सब के ऊपर करता है कि यार कुछ लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया जो बदल देते हैं उनकी तरह बनना है, या लोगों के कहने पर अपने फैसले बदल देना है। तो मैं हैंड रेस चाहूंगा, कितने लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया पूरी कायनात को बदलना चाहते हैं? यस मेरे दोस्त, हमारी दुनिया हमारी कायनात हमारे रिलेटिव हमारा क्राइटेरिया जो भी हमारा एरिया है, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल है, हमारे कम्युनिटी है, हमारा जो समाज है, वो सब कुछ हम लोगों के लिए हमारी ही दुनिया है। यानी कि जितनी हम लोगों की पहुंच वहां तक दुनिया। लेकिन आज हम दूसरी दुनिया में भी प्रवेश करने जा रहे हैं दोस्त, इस मेटाफोर्स के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल कॉपरेशन ऑल ऑफ यू ऑल कम्युनिटी ऑफ द टाइगर टीम इंडिया। आइए चलते हैं उस दुनिया के अंदर, उस टेक्नोलॉजी के अंदर, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हजारों नहीं लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है मेटाफोर्स, जिसको एक अलादीन का चिराग भी कहा जाए तो भी कम है मेरे दोस्त। बिकॉज जितनी बार रगड़ेंगे उतनी बार बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, तो वो चीज है मेटाफोर्स। लेकिन चिराग तो मिल गया दोस्त, रगड़ेगा कोई पड़ोसी नहीं, रगड़ेगा कोई रिलेटिव नहीं, रगड़ेगा कोई लोग नहीं, हमको ही रगड़ना है मेरे दोस्त। चलिए आगे आपको गुड न्यूज दे देते हैं। टेक्टाइल प्रोडक्ट यानी कि जो पूर्व में इसका क्लासिक नाम था, सिर्फ और सिर्फ नाम में बदलाव हुआ है, प्लान में कोई भी बदलाव नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। और ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं पीपीटी, वो ऑफिशियल अपडेट है, न्यू डिजाइन कलर एवरीथिंग न्यू है, बट आपका जो मैट्रिक्स है वो सेम वैसा ही है जैसे पहले था। अब गुड न्यूज ये है दोस्त, इस टेक्टाइल प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमको आगामी समय में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं, क्लॉथ्स, टी मेट। और यहां पर विशेष बात ये है दोस्त, एक से लेकर के 12 लेवल है, हम लोग सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, नए लोग हैं तो वो आज जान जाएंगे। एक से लेकर के 12 लेवल हम लोगों को यहां पर मिलते हैं, S6 और S3 के, जिसके अंतर्गत 8 लेवल हमको S6 प्रोग्राम के मिलते हैं, वर्किंग स्पिल ओवर के। बाकी के 4 लेवल वर्किंग, हमारी वर्किंग और हमारे जितने भी डायरेक्ट रेफरल्स होते हैं उनकी वर्किंग के। तो ये कुल मिलाकर के 12 लेवल, इन सभी 12 लेवल में हम लोगों को कैशबैक मिलेगा जो हम लोगों ने अपग्रेड कर रखे हैं। और इसके साथ साथ सील्ड एंड एफटी यानी कि नॉन फंजीबल टोकन पैक्ड होगा, और अनसील्ड जिसके अंतर्गत हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज के अकॉर्डिंग प्राप्त कर सकेंगे साथियों। और वर्चुअल वर्ड डिलीवरी मेरे दोस्त, हर अगर हम बात करें जो नई दुनिया की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हम इनका आदान प्रदान कर सकेंगे, नॉन फंजिबल टोकन का, एनएफटीज का। जिन लोगों ने इसको थोड़ा हल्के में लिया था वे लोग आज समझ चुके होंगे कि व्हाट इज द पावर ऑफ द एनएफटी। जब स्टार्ट हुआ था तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द एनएफटी, राइट नाउ करंट प्राइस ऑफ द एनएफटी हर किसी को पता चल चुका है दोस्त। और दुनिया का इकलौता पहला सिस्टम भी हम कह सकते हैं इस मेटाफोर्स को, जिसके माध्यम से ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में एक रियल एंड जेन्युइन एनएफटी मिला है। साथ में जो हम सब लोग अवगत हैं, यूनाइट वर्स के अंतर्गत जो कि फोर्स कॉइन की हम मैं चर्चा कर रहा हूं साथियों, वो भी एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है, और जेन्युइन प्रोडक्ट भी हम उसको कह सकते हैं, जो कि मेटाफोर्स के अंदर हम सभी लोगों को बहुत बड़ा लाभांश देने वाला है। लेकिन जरूरत है हम लोगों को अपने नेटवर्क को विस्तृत करने की, वाइड करने का। जितना स्ट्रोंग नेटवर्क होगा हमारा टेक्टाइल प्रोडक्ट के अंदर, उतना बड़ा स्ट्रोंग नेटवर्क हम बिल्ड कर पाएंगे यूनाइट वर्स सेक्शन के अंदर साथियों। चलिए आगे चलते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं कि इनको बहुत सारे लोग, कोई लेवल्स बोलता है, कोई स्लॉट्स बोलता है, तो लेवल 1 लेवल 2 इस तरह से लेवल 12 तक है। टेक्टाइल मेट्रिक हैव 12 स्लॉट्स लेवल,
यानी कि आप स्लॉट समझते हैं तो स्लॉट समझिए, लेवल समझते हैं तो लेवल समझिए। एज सून एज लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट द हाइयर स्लॉट लेवल इन योर मैट्रिक्स, द मोर कैश बैक टोकन यू कैन अर्न। मेरे दोस्त, जिनके जितने बड़े लेवल्स होंगे, जल्द से जल्द जो लॉयल्टी प्रोग्राम आ रहा है, जो हम लोगों को बड़े मैट्रिक्स यानी कि बड़े लेवल यानी कि 12 लेवल वाले को 12 लेवल के हिसाब से एडिशनल यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, 11 वाले पे थोड़ा सा कम, उससे कम वाले पे और कम, एज पर लेवल। मेरे दोस्त, 100% गोज टू द पार्टनर नेटवर्क, दैट्स योर एंड योर पार्टनर इनकम। या जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पीयर टू पीयर कम्युनिटी बेस हम कह सकते हैं, पी टू पी, पर्सन टू पर्सन एंड वॉलेट टू वॉलेट, देर आर नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। यहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं है, लाइक दैट एमडी सीएमडी या कोई इसका भले ही क्रिएटर लाडो ऑक्टेनी को है, वे भी इस सिस्टम के अंदर चाह करके कोई बदलाव नहीं कर सकते, बिकॉज मेटाफोर्स डज नॉट एनी कंपनी, मेटाफोर्स डज नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द मेटाफोर्स? कोई कंपनी नहीं, कोई संस्था नहीं, तो मेटाफोर्स है क्या मेरे दोस्त? मेटाफोर्स है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग अनुबंध, जिसको एक बार ब्लॉकचेन के अंदर डेप्लॉय कर देने के बाद, भले ही इसके रचयिता लाडो ऑक्टोनिको हैं या कोई भी हो, वे भी चाह करके बदलाव नहीं कर सकते जो एक बार डेप्लॉयड हो चुका है। अब कई लोग इसको ही सोचेंगे जो रंग रोगन चेंज हो गया है इसका, यानी कि जो डैशबोर्ड कलर चेंज हो गया है। मेरे दोस्त, ये एक एज अ मिरर है, वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? एज अ मिरर है, प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल के लिए है ना। बाकी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। कलर में चेंज हो सकता है, फॉन्ट में चेंज हो सकता है, और जो हमारे मैट्रिक्स की रूपरेखा है उसमें चेंज हो सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है उसका मैकेनिज्म चेंज नहीं हो सकता। राइट, आगे चलते हैं। मार्केटिंग टैक्टाइल, बहुत सारे लोग तो सोचने लगे होंगे यार ये अब क्या नया आ गया। मेरे दोस्त, नया कुछ नहीं है, वही है, बट केवल क्या उसका रूपरेखा चेंज किया गया, मैकेनिज्म सेम है। S6 S3 का ही है। S6 में आप काउंट कर लीजिए, यहां हम अगर दूसरे शब्दों में बात करें, एक नए ट्रेंड के साथ में, तो हम इनको ऑर्बिट बोल सकते हैं। इन एक्सिस देर आर टू ऑर्बिट, S6 के अंदर दो लाइन है या दो कक्षाएं हैं, और जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं यहां पर 6 सर्कल हैं, 6 स्पॉट हैं। देर आर 6 स्पॉट दैट विल बी फिल अप योर यू एंड योर अपलाइनर, अपलाइनर टीम, योर डाउनलाइन, योर क्रॉसलाइन। आपके डाउनलाइन क्रॉसलाइन, आपके अपलाइन, उनकी डाउनलाइन क्रॉसलाइन से ये 6 सर्कल फिल होते हैं। चलिए थोड़ा सा S6 का मैट्रिक्स मैकेनिज्म देख लेते हैं। आपने S6 का प्रोग्राम ओपन किया, तो यू आपका मैट्रिक्स इस तरह से है, और इसके बाद में आप का जो फर्स्ट ऑर्बिट है यानी कि पहली लाइन है, वहां पर 2 सर्कल आपको दिख रहे हैं। नंबर 1, ये जब भी सर्कल फिल होगा, नंबर 1 एंड नंबर 2 आपके द्वारा, आपकी डाउनलाइन ऑफलाइन, आपके अपलाइन या उनकी भी डाउनलाइन ऑफलाइन के द्वारा, फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल, सरल शब्दों में पहली लाइन वाले जो 2 गोले भरेंगे, ये इनकम एज अ स्पिल ओवर में जाएगा। अब स्पिल ओवर दोस्त क्या है, जो मैं आपको अवगत करा रहा था कि सभी के द्वारा ये सर्कल फिलअप हो सकते हैं, आपके द्वारा, आपकी डाउनलाइन ऑफलाइन, अपलाइन, उनकी भी डाउनलाइन ऑफलाइन के द्वारा। तो जब हमारे फिल हो सकते हैं, तो हमारे पहले दूसरे गोले से और लोगों के भी तो फिल हो सकते हैं, बिकॉज यहां पर ये मैकेनिज्म है एज अ स्पिल ओवर। आप स्पिल ओवर को सरल शब्दों में ये समझें, किसी भी समय आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वक्त अगर आपकी डाउनलाइन ऑफलाइन या अपलाइन या उनकी डाउनलाइन क्रॉसलाइन कार्य करती हैं, तो उनके भी द्वारा ये सर्कल फिलअप होते हैं। जब फर्स्ट और सेकेंड सर्कल फिल होगा, तो ये इनकम एज अ स्पिल ओवर में टीम में चली जाएगी, हम लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद में आप देख रहे हैं सेकंड ऑर्बिट, जहां पर 4 स्पॉट हैं, 4 सर्कल्स हैं, पहला फिल होगा यानी कि थर्ड है, क्योंकि 2 तो पहले ऑर्बिट में है। तीसरा जब भी सर्कल फिल होगा,
जो लेवल की कास्ट होगा, इमीडिएटली हमें 100% वर्किंग का 100% पे आउट मिल जाएगा। सेकेंडरी से भी इमीडिएट मिल जाएगा जो लेबर का कास्ट होगा, थर्ड से भी इमीडिएट मिल जाएगा जो लेबर का कास्ट होगा, और सिक्स से क्या होगा दोस्त, ये सिक्स सर्कल है हमारा जो कि सेकेंड ऑर्बिट में फोर्थ सर्कल आपको दिखेगा, और ये रिसाइकल प्रोसेस रीएक्टिवेशन प्रोसेस यहां पर होता है, और ये सुपर अमेजिंग पावर बढ़ा देता है इसकी मैकेनिज्म की, रिसाइकल रीएक्टिवेशन। एक सिंगल रिसाइकल पर यानी कि एक बार छह स्पॉट छह गोले भरने पर सभी के सहयोग से एंटायर कम्युनिटी आपकी डाउनलाइन को ऑफलाइन अपलाइन उनकी डाउनलाइन को ऑफलाइन के द्वारा और आपके द्वारा मेरे दोस्त 300% इनकम होती है आपको सिर्फ एक बार रिसाइकल होने पर, और ये बार बार हम प्रक्रिया को कर सकते हैं। और यहां आप देख सकते हैं अपलाइन डाउनलाइन को ऑफलाइन ईटीसी स्पिल ओवर इनकम प्लेटफॉर्म एस सिक्स। अब हम चलते हैं एस थ्री की ओर, आपका पोजिशन यू, और देयर आर थ्री स्पॉट एंड वन ऑर्बिट यानी कि एक लाइन या कक्षा कह सकते हैं, और यहां पर आपके बाद में तीन सर्कल हैं, और जैसे ही आप फर्स्ट पर्सन को डायरेक्ट करेंगे, इस मैट्रिक्स की खास बात यह है कि आपके द्वारा आपके जितने भी डायरेक्ट रेफरल्स होंगे उनके द्वारा 100% वर्किंग का 100% पे आउट आपको इमीडिएट मिलेगा आपके वॉलेट के अंदर जो भी लेवल का कास्ट होगा। जैसे ही सेकंड सर्कल फिल होगा आपके द्वारा या आपके रेफरल के द्वारा, इमीडिएटली आपको पुनः इनकम मिल जाएगा, और थर्ड सर्कल से आपका यानी कि तीन में से दो का आपको मिलेगा, सरल शब्दों में समझिए, और एक से ये रिसाइकल होकर के अपलाइन को चला जाएगा दोस्त। जब ये अपलाइन को जाएगा तो हम भी तो किसी के अपलाइन होंगे दोस्त, तो हमको भी आएगा। यहां पर हमें 200% इनकम मिलता है यानी कि दो गोले का 200% और तीन गोले का 300% एक्स सिक्स के अंदर। प्रोग्राम मैकेनिज्म ऑल थिंग सेम है, बट क्या है यहां पर डिजाइन चेंज है। अब हम मार्केटिंग टेक्टाइल को यहां पर देखें, यहां लेबल की कास्ट भी दर्शाई गई है। फर्स्ट लेबल कॉस्ट इज 5 डाई एंड 1 डाई इक्वल टू 1 यूएसडीटी, एक डाई एक डॉलर के बराबर है यानी कि अभी भारतीय मुद्रा में करीब 89 से 90 रुपए का एक डॉलर चल रहा है। पहला लेबल आप देख सकते हैं 5 डाई का है, थोड़ा सा जूम कर लेगा और यहां पर जूम कर लीजिएगा बिकॉज थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है। पहला लेवल 5 डाई का है तो दूसरा जस्ट डबल यानी कि 10 डाई का है, और आप यहां पर विशेष ध्यान दीजिए पहला और दूसरा लेवल एस सिक्स प्रोग्राम है, 6 सर्कल है, और लेवल 3 के अंदर 3 सर्कल है जिसकी कास्ट $20 है, और इसके बाद चौथे लेवल की 40 यानी कि पहले की अपेक्षा जस्ट डबल है अगले लेवल की कॉस्ट, पांचवें की $80, नवे की 1280 और ग्यारहवें की 5120, बारहवें की 10,240। मेरे दोस्त यहां पर लेवल्स कैशबैक रिवार्ड्स हम सब लोगों को मिलेगा एज पर अपग्रेडेशन, मैक्सिमम एंड हायर अपग्रेडेशन। वेयर टू स्टार्ट फॉर अ बिगिनर, हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमें किस सबसे पहले क्या चीज की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम वर्चुअल करेंसी की डिजिटल मुद्रा की बात कर रहे हैं, आभासी मुद्रा की, तो स्वाभाविक है दोस्त इसको सपोर्ट करने वाले, इसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले वॉलेट की आवश्यकता होगी, और वो वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट के नाम से जाने जाते हैं जो कि हमें प्ले स्टोर से मिलते हैं। लेकिन एक अवगत करा दूं साथियों की दूर दूर तक लेना देना नहीं है इन टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वॉलेट का इस मेटाफोर से, ये थर्ड पार्टी वॉलेट्स हैं बट ये डिसेंट्रलाइज हैं, यानी कि यहां पर भी बिना आपकी मर्जी के कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये सरल शब्दों में एक प्रकार का डिजिटल वॉलेट है, डिजिटल पर्स है, और इस वॉलेट को जब हम बनाते हैं तो 12 बर्ड हमें मिलते हैं सीक्रेट फ्रेज या तिजोरी की कुंजी आप समझ सकते हैं। इन 12 वर्ड्स को किसी भी सूरत में किसी के साथ में साझा ना करें,
अगर ऐसा आप करते हैं तो जितना मालिकाना हक आप इन वॉलेट्स पे रखते हैं उतना ही मालिकाना हक उस सामने वाले व्यक्ति का हो जाता है। अब हमने वॉलेट बना लिया दोस्त और 12 बड भी सुरक्षित कर लिए हैं। अब क्या आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले आवश्यकता होगी डाइक यानी कि मैटिक की, जो कि ट्रांजेक्शन फी के रूप में काम करेगा और डाई ज्वाइनिंग के रूप में काम करेगा। अर्निंग होगा डाई में होगा, ज्वाइनिंग होगा डाई से होगा, और जो ट्रांजेक्शन फीस कटेगा वो मैटिक से कटेगा। अब मैटिक क्या है दोस्त? मैटिक एक आभासी मुद्रा है जो कि मैटिक एक आभासी मुद्रा है और जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का एक नेटिव कॉइन है, यानी कि मूल क्रिप्टो करेंसी, मूल वर्चुअल करेंसी है, जो इसके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए काफी कारगर है साथियों। अब हमें आवश्यकता होगी हमारे अपलाइन के रेफरल लिंक की साथियों, जो कि हमें अपलाइन से मिल जाएगा जो भी हमारे अपलाइनर रहेंगे। लेबल कास्ट यहां पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट लेवल है और लेवल की कास्ट है 5 डाई। एक्टिवेटिंग द फर्स्ट लेवल ऑफ द मैट्रिक कॉस्ट 5 डाई विच इज इक्वल टू $5, जो मैं आपको पूर्व में अवगत करा चुका हूं। देर आर 6 स्पॉट, यहाँ 6 सर्कल है हमारे बाद में, और इन 6 में से 3 का इनकम हमको मिलेगा, बाकी 3 का इनकम पहले दूसरे का नहीं मिलेगा और 6वें से रिसाइकल हो जाएगा, दोबारा से 300% इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा साथियों। अब यहां हम इसको देख सकते हैं कि अपलाइन से किस प्रकार से फिलअप होगा, द बे अपलाइन सी। ये आपके अपलाइन है और आपका स्ट्रक्चर आप यहां पर देख रहे हैं साथियों यू। अब आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर यहां पर आप देख सकते हैं, अपलाइन का इस प्रकार से फिलअप होगा और आपका इस प्रकार से फिलअप होगा साथियों। यानी कि आप यहां पर अगर देख रहे हैं तो कंप्लीट आप मैट्रिक्स को देखने के लिए, फिलअप मैकेनिज्म को देखने के लिए, यानी कि जो भराव होगा सर्कल्स का वो तो किस प्रकार होगा, तो इस वाले को आप देखें साथियों। सेम आपके अपलाइन की तरह आपका भी ये मैट्रिक्स फिलअप होगा साथियों। रीएक्टिवेशन प्रोसेस आप यहां पर देख सकते हैं साथियों, रीएक्टिवेशन प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा था, जस्ट मिनट, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस मैम, सम टेक्निकल एरर, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन फॉर माय वॉइस। तो साथियों मैं बात कर रहा था रीएक्टिवेशन की, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो जो इनकम हमें मिलने वाला है तो उसका आप यहां पर देख सकते हैं पेमेंट का, ये वॉलेट का सिंबल है, और ये जो एक्सपोनेंशियल आप देख रहे हैं रिवार्ड फॉर द अपलाइन, यानी कि ये अपलाइन को इनकम जा रहा है, और ये जो आपको 2 राउंड सर्कल दिख रहे हैं रीएक्टिवेशन का प्रतीक है। तो ये आप देख सकते हैं यू यू के बाद में फर्स्ट लाइन के अंदर आपके 2 सर्कल हैं, 2 स्पॉट्स हैं, जिसमें एक्सपोनेंशियल का चिन्ह आप देख रहे हैं प्रतीक, जो कि अपलाइन को जाना है पहला, और दूसरा अपलाइन डाउनलाइन के ऑफलाइन किसी को भी मेरे दोस्त चला जाता है ये इनकम। अब यहां अगर हम बात करें जो वॉलेट्स का प्रतीक आप देख रहे हैं थर्ड सर्कल के अंदर, ये आपको इनकम मिलेगा आपके वॉलेट के अंदर सीधा। देर आर नो क्लोजिंग एंड मैशिंग, देर आर नो एनी टाइप डिडक्शन, बिकॉज ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन द कम्युनिटी पीयर टू पीयर, वॉलेट टू वॉलेट, यहाँ कोई कटौती नहीं होगी, ना किसी प्रकार का पे आउट का विड्रॉल सिस्टम होगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारे वॉलेट के अंदर विद इन अ नैनो सेकेंड मिलता है, तीसरे से, चौथे से और 5वें से।
छठवें से ये रीएक्टिवेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। और जब हम बात करें S3 प्रोग्राम की, अभी हमने देखा कि S6 में कैसे हो रहा है रिसाइकल या रीएक्टिवेशन, तो यहां आप देखें S3 के अंदर 1/3 का मैट्रिक्स, यानी कि हमारे बाद में तीन लोग यू, और यहां पे पेमेंट जो हमें मिलेगा फर्स्ट सर्कल से, सेकंड सर्कल से, थर्ड सर्कल से क्या होगा रीएक्टिवेशन हो जाएगा साथियों। और एक रीएक्टिवेशन पर S6 के अंदर हमें 300% इनकम मिलेगा, कैसे 100 100 प्लस 100, यानी कि इक्वल टू 300। यहां पर 200% मिलेगा कैसे 100 प्लस 100 इक्वल टू 200। और ये प्रक्रिया बार बार होती रहेगी दोस्त अनलिमिटेड टाइम तक, और कोई भी बार बार रिसाइकल के बाद एक्टिवेशन नहीं करना, यानी कि किसी प्रकार का कोई हमें एडिशनल फी पे नहीं करना। हम जितनी तेजी से रिसाइकल करेंगे उतनी तेजी से हम लोगों को इनकम यहां पर आता रहेगा। आगे चलते हैं साथियों, ऑटो अपग्रेड सिस्टम। मेरे दोस्त इस सिस्टम की खूबसूरती, इस सिस्टम के मैकेनिज्म के अंदर चार चांद लगा देता है यह ऑटो अपग्रेड सिस्टम। क्या है दोस्त, चलिए फॉर एग्जाम्पल आपका ये लेवल जो S6 यानी कि देख रहे हैं S6 का फिफ्थ लेवल है जिसकी कास्ट है $80 और अगले का 160 जो आप नीचे देख रहे हैं S3 का, जस्ट एन एग्जाम्पल। और एक रियलिटी में भी इसका कॉस्ट इतना ही है। हम माना कि ये पांचवा लेवल है और जिसका प्राइस है $80 और हमने पांच लेवल स्टार्ट किए हैं। छठवां लेवल किस प्रकार से हम लोगों का ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगा, तो आप देख सकते हैं यहां एक वन पेमेंट हमारे पास आ जाएगा हमारे वॉलेट के अंदर, लेकिन उससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड से हमारी अपलाइन को चला जाएगा यहां पर, और थर्ड पर्सन से हमारे वॉलेट के अंदर इनकम आ जाएगा जो हमारे लेवल की कास्ट है $80 की, वो हमारे पास आ जाएगा। और थर्ड से क्या होगा ये प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंड के अंदर संग्रहित होगा, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई भी सिस्टम से संबंधित यानी कि या इसके क्रिएटर भी इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। ये सब कुछ ब्लॉकचेन के अंदर होगा, ऑटोमेटिकली होगा एक एल्गोरिदम के साथ। यहां पर थर्ड पेमेंट हमारा ऑटो अपग्रेडेशन के लिए संग्रहित हो जाएगा, और चौथा तीसरा पेमेंट हमें मिल गया, और चौथे से हमारा ऑटो अपग्रेड के लिए संग्रहित होगा, और पांचवा जैसे ही आएगा यानी कि 80 प्लस 80 होगा वैसे ही अगला लेवल ऑटोमेटिकली 6 लेवल हमारा एक्टिवेट हो जाएगा जो कि S3 का है, वर्किंग स्किल वर्किंग एंड रेफरल इनकम। यहां पर आपने देखा कि दो पेमेंट चौथे और पांचवें से 80-80 मिलाकर के 160 वाला ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया। अब 160 तक फॉर एग्जाम्पल कि हमने 6 लेवल बाय किया है, लास्ट वाले लेवल की जो कॉस्ट है 160 है, हमारे वर्किंग से हमारे रेफरेंस इनकम यहां पर मिलता है, वर्किंग प्लेटफॉर्म कहलाता है। पहला सर्कल फिल होगा और अगला लेवल की जो कॉस्ट है कितने की है $320 की, यानी कि जस्ट डबल है पहले की अपेक्षा दूसरे लेवल की कॉस्ट। यहां पर 160 प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंड के अंदर जाएगा पहले गोले से, और दूसरे गोले का भी 160 160 मिला करके 320 हो जाएगा, और अगला लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा साथियों। और यहां पर ये ऑटो अपग्रेड सिस्टम ना सिर्फ हमारी इनकम को तेजी से बढ़ाता है बल्कि हमारे एंटायर कम्युनिटी एंटायर टीम्स की इनकम को आगे बढ़ाता है साथियों। तो यहां पर आप मार्केटिंग टेक्सटाइल यहां पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं इमेज के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट लेवल एक्टिवेट है तो आपके किन पेमेंट से आपका लेवल अपग्रेड होगा, सरल शब्दों में यह समझिएगा कि दो पेमेंट, एक पेमेंट आपको मिल जाएगा पहला, दूसरा पेमेंट जो पहले ऑर्बिट में होगा पहली लाइन के अंदर होगा वो आपके अप्लाइंग को चला जाएगा, और यहां पर तीसरा से आपके जो लेवल की कास्ट है 5 डाई वो आपको मिल जाएगी, चौथा और पांचवा से आपका अगला लेवल $10 का एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि चौथे से पांच वाला है तो पांच आएगा, और पांचवें से भी पांच मिला करके 10 डाई का अगला लेवल बाई हो जाएगा। और जो मैं आपको अवगत करा रहा था कि हमारा 6 लेवल कैसे अपग्रेड होगा,
फॉर एग्जाम्पल 5 लेवल हमने यहाँ पर एक्टिवेट किया है और 5 लेवल की जो कॉस्ट है 155 डाई है। और यहाँ अगला लेवल किस प्रकार से एक्टिवेट होगा, सेम वही प्रोसेस होगा मेरे दोस्त। फर्स्ट सेकेंड से अप्लाइंग टू इनकम चला जाएगा, थर्ड से आपको मिल जाएगा जो लेवल की कॉस्ट है 80 डाई का है तो 80 मिलेगा, और फोर्थ से फिफ्थ से मिला करके 80 80 160 का अगला लेवल एक्टिवेट हो जाएगा साथियों। और ये 12 लेवल्स हैं, इन सब का कॉस्ट आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, 20,475 डाई होता है टोटल कैलकुलेशन इन सभी लेवल्स का। यहाँ थोड़ा बड़े में देखिएगा, ईच नेक्स्ट लेवल कॉस्ट एग्जैक्टली ट्वाइस, यानी कि पहले की अपेक्षा जस्ट डबल है अगला लेवल। सभी लेवल का आप कॉस्ट यहां पर देख सकते हैं। मेरे दोस्त, ये ऑफिशियल पीडीएफ हमारे बीच में आज मॉर्निंग में ही मिल गया था और ऑफिशियल टेलीग्राम के तहत सभी लोगों पर है और काफी अच्छा इसका डैशबोर्ड और जो हम देख रहे हैं इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, विजुलाइजेशन बहुत बेहतर है। कलिंग कलर कोडिंग की बात करें या अंडरस्टैंडेबल की बात करें तो एवरीथिंग इज द फाइन, हर एक चीज फाइन है। और यहां मैं आपको करा दूं इसका पूरा कैलकुलेशन, जब भी हम 12 लेवल को सिंगल टाइम रिसाइकल करते हैं तो हमारी जो टोटल इनकम कितनी होती है दोस्त, 49,725 डाई। केवल एक से लेकर के 12 तक जीवन में अगर एक बार भी अगर हम रिसाइकल करते हैं ना दोस्त, तो बहुत बड़ा इनकम हम लोगों का यहाँ हो जाता है, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 49,725 डाई इंटू अभी का करंट जो रेट है 89 का ही लगा लेते हैं, 44,25,525 रुपया मेरे दोस्त सिर्फ सिंगल रिसाइकल पर। यहां पर ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने मेरे दोस्त, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 1 वीक के अंदर, किसी ने 15 डेज के अंदर, किसी ने 1 मंथ के अंदर, तो किसी ने 3 मंथ के अंदर, तो किसी ने 6 मंथ के अंदर इन रिसाइकल को, इन हायर रैंक को अचीव करके, हायर रैंक को लोगों को अचीव करा करके मेरे दोस्त ये किताब हासिल कर चुके हैं। और जाइएगा मत कहीं मेरे दोस्त, आज उन सभी लीडरशिप की ही जुबानी सुनेंगे कि जो ऐसा कर चुके हैं साथियों। इस सिस्टम की पावर मेरे दोस्त वही जानता है जो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग में मस्त रहता है और अपने साथ लोगों को लेकर के चलता है साथियों, उनको कॉपरेट करता है, उनको सही इंफॉर्मेशन देता है, उनके लिए हमेशा रेडी रहता है। यस आई एम रेडी, मैं क्या आपके लिए कर सकता हूं, क्या दिक्कत आ रही है, किस प्रकार से प्लानिंग आप करा रहे हैं, ऐसे करने वाले लोग आज इतिहास रच चुके हैं साथियों, तो इतिहास आप भी रच सकते हैं। और मेटाफोर्स के अंदर बहुत बड़ा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है।